हेलो स्टूडेंट्स, अब अपन स्टार्ट करेंगे सेकंड। अपने पास जो मेथड एंड प्रिपरेशन है, एल्किल हैलाइडों का चल रहा था। अपने पास एल्किल हैलाइडों का मेथड प्रिपरेशन अपन ने फर्स्ट जो कर लिया था कंप्लीट, वो अपन ने किया था एल्केन से। और बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, एल्केन से अपन ने जो एल्किल हैलाइड बना रहे थे उसमें क्या है, अपने पास एक से दो या दो से तीन बार, मतलब आप जब राजस्थान यूनिवर्सिटी के आप पेपर देखोगे ना आरयू के, तो आपको वहाँ मिलेगा कि आपके पास सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है। मतलब आपके पास हाइड्रोकार्बन देके रखेगा और हाइड्रोकार्बन से आपके पास वो क्या करा रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। नो डाउट आप जब ये वीडियो लेक्चर देख लोगे तो उसके बाद आप कर ही दोगे, ठीक है, ऐसा कोई टेंशन लेने का नहीं है आप लोगों को। अपने पास अब नेक्स्ट अपने पास है एल्कीन, ठीक है भाई। यदि एल्कीन की बात करें अपन, नेक्स्ट अपने पास मेथड प्रिपरेशन है एल्कीन से। एल्कीन से भाई, एल्कीन, यदि मैं एल्कीन की बात करूं तो एल्कीन से भी अपन किसका करा सकते हैं, एल्किल हैलाइड का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि एल्कीन की अभिक्रिया, एल्कीन यही होती है, यदि एल्कीन की अभिक्रिया HCl के साथ, HX के साथ, मतलब हैलोजन अम्लों के साथ करवाई जाती है, तो हैलोजन अम्लों के साथ एल्कीन अभिक्रिया करके एक योगात्मक अभिक्रिया संपन्न करके एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन होता है अपने पास, हेलो एल्केन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एक साइड H और एक साइड क्या होता है अपने पास, X का क्या होता है, प्रोडक्ट का क्या होता है अपने पास, फॉर्मेशन होता है। कि जब एल्कीन की अभिक्रिया, किसकी रिएक्शन करा रहे अपन, एल्कीन की रिएक्शन हैलोजन अम्लों के साथ करवाई जाती है, HX के साथ हैलोजन अम्लों के साथ करवाई जाती है, तो अपने पास किसका निर्माण होता है, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होता है, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है भाई। तो अपने पास किसकी यह अभिक्रिया, किसकी सब कौन सी क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है, तो यह अभिक्रिया योगात्मक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। किसकी अभिक्रिया द्वारा संपन्न होती है, योगात्मक क्रियाविधि, देखो योग हो रहा है, योगात्मक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है, योगात्मक क्रियाविधि किसी द्वारा संपन्न होती है, योगात्मक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है, ठीक है भाई। तो अपन ने सेकंड रिएक्शन पढ़ी एल्कीन से, एल्कीन से किसका निर्माण कर रहे हैं अपन, एल्किल हैलाइडों का, कि एल्कीन की अभिक्रिया हैलोजन अम्लों के साथ, सुन लीजिए डेफिनेशन, एल्कीन की अभिक्रिया हैलोजन अम्लों के साथ करवाई जाती है तो हेलो एल्केन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यह अभिक्रिया योगात्मक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है, किसके द्वारा संपन्न होती है अपने पास, यह अभिक्रिया योगात्मक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। लेकिन यदि अपन यहाँ पे बात करें कि ऐसे एग्जाम्पल की मैं आपके सामने बात करूं, तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करा रहा हूँ, HX के साथ या HCl के साथ करवा लूँ। अब HX तो X का मतलब HCl भी आ रहा होता है, ठीक है, तो अपने पास HX के साथ करो, HCl के साथ करवा ले। यदि HCl के साथ करवाते हैं तो वही अपने पास क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, एक साइड पॉजिटिव चार्ज बनेगा, एक साइड नेगेटिव चार्ज बनेगा, भाई कोई भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी एक साइड ट्रांसफर होंगे, तो अपने पास क्या बनेगा, CH2 बॉन्ड CH2, यहां पर H और यहां पर क्या होगा, CL होगा, या CL यहां पर लगा सकते हैं, H लगा सकते हैं, ये क्योंकि सममित एल्कीन है, कौन सी है, सममित एल्कीन है, सममिति, ठीक है, सिमेट्रिक एल्कीन, सममिति एल्कीन है अपने पास, सिमेट्रिक एल्कीन, सिमेट्रिक एल्कीन है। जब सिमेट्रिक एल्कीन आपके पास प्रेजेंट है तो सिमेट्रिक एल्कीन में आप HX का एडिशन कहीं पर भी करवा दीजिए, आप यहां पर आपके पास प्रोडक्ट में एल्किल हैलाइड बन जाएगा। लेकिन यदि आपके पास एसिमेट्रिक एल्कीन है, यदि आपके पास एसिमेट्रिक एल्कीन है, तो HX का एडिशन किसके अकॉर्डिंग होगा भाई, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। यदि आपके पास एसिमेट्रिक एल्कीन है और आप इस पर HX का एडिशन कराते हैं, तो आप इस पर HX का एडिशन आपकी मर्जी से नहीं करवाओगे। यदि आप अपनी मर्जी से कराते हैं कि HX इस साइड और एक X इस साइड, आपके पास दो पॉसिबिलिटी है कि आप एक बार बॉन्ड इधर ट्रांसफर करते हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास बन सकता है, यहाँ पे HX ये हो गया, ठीक है, तो आपके पास एक प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास X, क्योंकि यहाँ पर डेल पॉजिटिव होता है और डेल यहाँ पर क्या होता है, डेल नेगेटिव होता है। यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर होते हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये बन रही है, राइट, एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये बन रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास बन रही है आपके पास कि यदि आप इसके HX की रिएक्शन करवाते हैं HX के साथ
और यदि आप इलेक्ट्रॉनों को इधर ट्रांसफर करते हैं, किधर, इस साइड ट्रांसफर करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे बनेगा CH3, CH, यहाँ पे H, और यहाँ पे आ जाएगा CH2X। मतलब सबसे जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना अपने पास, वो आपके पास बन रहा है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। और यहां पे आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है अपने पास, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट, भाई दोनों की प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी, आपने कहा है कि एडिशन, जब एल्कीन आपके पास प्रेजेंट है, एल्कीन पर HX का आप एडिशन करवाते हैं, तो एल्कीन पर HX का एडिशन किसके अकॉर्डिंग होता है, योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा होता है। और जब भी आप योगात्मक अभिक्रिया की आप बात कर रहे हैं, तो योगात्मक अभिक्रिया में तो योग होगा। अब योग आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, एक योग इस तरीके से भी हो सकता है, एक योग इस तरीके से होता है। तो इसे समझाने के लिए अपन कौन सा रूल पढ़ते हैं, मार्कोनिकोफ का रूल, कि मार्कोनिकोफ रूल के अनुसार अपन ये बताएंगे कि कौन सा एल्कीन प्रोडक्ट क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। ठीक है भाई, तो मार्कोनिकोफ नियम, नेक्स्ट अपने पास मार्कोनिकोफ नियम, मार्कोनिकोफ, मार्कोनिकोफ नियम। सबसे पहले वैज्ञानिक मार्कोनिकोफ ने बताया कि आपके पास यदि एसिमेट्रिक एल्कीन प्रेजेंट है, इसकी डेफिनेशन है कि यदि एसिमेट्रिक एल्कीन आपके पास प्रेजेंट है तो यदि एसिमेट्रिक एल्कीन आपके पास प्रेजेंट है तो एसिमेट्रिक एल्कीन में HX का योग करवाना चाहते हैं, तो HX का धनात्मक भाग वहां पर जुड़ेगा जहां पर डबल बॉन्डेड से बंधित, जहां पर डबल बॉन्ड से बंधित आपके पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है अपने पास, ज्यादा होती है। ठीक है भाई,